जय श्री कृष्णा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है वह बहुत ही बहुमूल्य है। इसी प्रकार एक बच्चा एक पहाड़ी पर एक फार्म हाउस में रहा करता था और वह नित रोज अपनी भेड़ बकरियां चरवाने के लिए दूर जंगल में जाया करता था। परंतु सुबह उठते ही सबसे पहले उसका क्या काम था कि वह अपने घर की खिड़कियों से बहुत दूर बने हुए एक घर को देखा करता था, जिस घर की खिड़कियां सुनहरे रंग की दिखती थी। उसका मन होता था कि वह मौका पाने पर उस घर में अवश्य जाएगा। नित रोज यही क्रिया रहती। एक बार उस बच्चे के पिता ने कहा कि आज भेड़ बकरियां लेकर मैं जाऊंगा, तुम घर पर ही रहो। बस क्या था, बच्चा तो इसी मौके की तलाश में था। वह पिता के जाते ही उस घर की ओर निकल पड़ा। देखते देखते वह बहुत दूर पहुंच गया, परंतु उस घर तक नहीं पहुंच पाया। संध्या का समय हो गया। पहुंचते पहुंचते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जिस घर की खिड़कियां टूटी हुई थी। उसने जाकर उस टूटी हुई खिड़कियों वाले घर का दरवाजा खटखटाया। बाहर उसी की उम्र का एक छोटा सा बच्चा आया। इस बच्चे ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमने ऐसा कोई घर देखा है जिसके घर की खिड़कियां सुनहरे रंग की हैं? उस बच्चे ने इस बच्चे को अपने घर की टूटी फूटी खिड़कियों पर ले जाकर खड़ा कर दिया व इशारे से कहीं दूर उसी बच्चे के घर की खिड़कियों को दिखाने लगा, जो सूरज की रोशनी के कारण सुनहरे रंग की चमक रही थी। वह बच्चा समझ गया कि यह कोई सुनहरी खिड़की नहीं है, यह तो सूर्य की रोशनी के कारण चमक रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है वही पर्याप्त है। हमारी योग्यता के अनुसार प्रभु ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है और वह बहुत ही बहुमूल्य है। दूसरे की थाली हमेशा सुंदर दिखती है। स्वयं की थाली में देखिए, जो स्वयं के पास है उसे बहुमूल्य समझिए, उसी में प्रसन्न रहना सीख जाइए, जीवन में खुशहाली आ जाएगी। जय श्री कृष्ण।